तो हाँ, तो यार गाइस हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपनी कार के लिए बेस्ट एम्पलीफायर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एम्पलीफायर खरीद लिया है तो आपको सबवूफर कौन सा खरीदना है, और अगर आपने सबवूफर खरीद लिया है तो आपको एम्पलीफायर कौन सा खरीदना है। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में ये काफी सारे एम्पलीफायर देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले है हमारे पास हाइपरसोनिक का 4 चैनल एम्पलीफायर, और ये है बोस्टिक का हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर B12 बोस्टिक, और ये है दोस्तों हमारे पास S&B का 2 चैनल एम्पलीफायर, और ये है हमारा मैक्सेल का 2 चैनल, और ये है दोस्तों हमारे पास सोनी का 1000 वाट का 4 चैनल, और ये है दोस्तों मेगाबॉक्स का 4 चैनल, और ये है दोस्तों पायनियर का मोनो एम्प। तो जैसा कि दोस्तों आप ये वीडियो में काफ़ी सारे एम्पलीफायर देख पा रहे हो, इनकी स्पेसिफिकेशन सभी कुछ सभी का अलग अलग है। तो अब बात करता हूँ मैं आपसे इनकी मार्केटिंग की। तो जैसा कि आप इन एम्पलीफायर पर देख पा रहे हो, ये जैसे कि आपको यहाँ पर S&B का 2 चैनल एम्पलीफायर देखने के लिए मिल जा रहा है, इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स पावर 3600 वाट, और अगर मैं यहाँ पर मैक्सेल की बात करता हूँ तो मैक्सेल पे भी दोस्तों 3600 वाट यहाँ पर मैक्स पावर लिखी गई है, और इसी तरह दोस्तों सभी जो एम्पलीफायर है इनकी यहाँ पर मैक्स पावर लिखी जाती है, यहाँ पर भी 8800 वाट लिखा हुआ है। और हमारे जिन लोगों को भाइयों को जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8800 वाट, और उनके पास मान लो 1400 वाट के 2 JBL के सबवूफर हैं, तो वे लोग दोस्तों सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा 2800 वाट का हमारा लोड है और एम्पलीफायर है हमारे पास 8800 वाट का, तो वो इसको ईजिली चला देगा। तो दोस्तों देखिए, ये तो इनकी जो मार्केटिंग है वो सब मार्केटिंग का फंडा है। अगर मैं इसकी एक्चुअल RMS पावर की बात करता हूँ, तो जैसे कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड सीरीज 4 चैनल 80 वाट MOSFET एम्पलीफायर। तो दोस्तों जो पर चैनल इसकी RMS पावर है वो 80 वाट है, और इसी तरह जैसे कि आप यहाँ पर हाइपरसोनिक पर देख पा रहे हो, इनकी भी दोस्तों 80 वाट पर चैनल हमारी एम्पलीफायर की वाटेज है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ 2 चैनल और 4 चैनल एम्पलीफायर की, तो दोस्तों जितने भी हमारे 2 चैनल और 4 चैनल एम्पलीफायर आते हैं वो 50 वाट RMS से हमें 100 वाट RMS तक ही उनकी पावर देखने के लिए मिलती हैं। जो दोस्तों नॉर्मल एम्पलीफायर हैं उनकी जो RMS पावर होती है वो 50 वाट से 80 वाट RMS तक होती है, और जो दोस्तों हमारे हाई पावर एम्पलीफायर हैं, जो कि 2 चैनल हाई पावर हो या फिर 4 चैनल एम्पलीफायर है, उनकी जो RMS पावर है दोस्तों वो हमें 100 वाट RMS तक देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर हाइपरसोनिक का एम्पलीफायर देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो वीडियो में यहाँ पर दिखाया गया है हमारा फ्रंट चैनल का एक सॉकेट यहाँ पर है, एक यहाँ, और इसी तरह पर रियल चैनल का यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर, मैं बात करता हूँ अभी हाइपरसोनिक की, तो यहाँ पर 80 वाट हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा, और 80 वाट यहाँ, 80 यहाँ और 80 यहाँ। अगर दोस्तों मैं इनको यहाँ पर ब्रिज करता हूँ, तो यहाँ पर हमें 80 और 80 हमें दोनों को जब हम इनको ब्रिज करेंगे तो यहाँ पर हमें 160 वाट RMS देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों जो हमारे मान लो किसी के पास एक 1500 वाट का JBL का स्पीकर है, तो उसको चलाने के लिए दोस्तों हमें 325 वाट RMS पावर की ज़रूरत होती है। और इसी तरह आपको यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर ब्रिज करेंगे तो हमें RMS जो पावर मिली वो हमें 160 वाट RMS मिली। और कुछ लोग दोस्तों इनकी जो गेन है उसको फुल कर लेते हैं, और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, और जो हमारा बेस बूस्ट की नोब है, जैसे कि आप ये देख भी पा रहे हो जो बेस बूस्ट की नोब है, इनको भी दोस्तों लोग फुल कर लेते हैं, और फुल होने के बाद दोस्तों जो हमारा सबवूफर है वो अच्छा पंप करने लगता है, तो लोगों को लगता है दोस्तों ये फुल पावर पर चल रहा है। तो दोस्तों पर होता क्या है, हमारा जो सबवूफर है वो कितनी देर चलेगा ये डिपेंड करता है हमारे एम्पलीफायर पर, क्योंकि दोस्तों जब हम इस पर 325 वाट RMS का सबवूफर चलाएंगे और फुल गेन और यहाँ पर हमारी फुल जो नोब है उनकी होगी, तो देखिए दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 मिनट से 30 मिनट तक इसको चला सकता है। उसके बाद दोस्तों ये हीटअप मोड में चला जाएगा, और दोस्तों ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, और प्रोटेक्शन मोड में जाने के बाद दोस्तों जब हमारा एम्पलीफायर प्रोटेक्शन मोड में चला गया, और उसके बाद दोस्तों हीट होने के बाद अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर से हम अपने सबवूफर को चला सकते हैं, और दोस्तों फिर से अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगर दोस्तों इस सबवूफर को आपको 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे चलाना है, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फिर आपको एक मोनो एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर इस मोनो एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमें 4 ओम्स पे ये हमें 400 वाट RMS देता है, और 2 ओम्स पे यहाँ पर हमें 500 वाट RMS देता है, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे 1 ओम्स की, तो 1 ओम्स पे दोस्तों हमें ये 800 वाट RMS देता है। फिर आप इस पर 2 सबवूफर भी चला सकते हैं।
तो दोस्तों आप इस एम्पलीफायर पर कितनी भी देर सबवूफर चलाए ना ही आपका एम्पलीफायर खराब होगा ना ही आपका सबवूफर खराब होगा। और इसी तरह जैसे कि अगर मैं आपके वीडियो में बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपने पाइनियर 12-11 डिपो की, जैसे कि यह है हमारे पास पाइनियर का 12-11 डिपो, इसको भी आप देख पा रहे हो। तो ये है दोस्तों हमारा 400 वाट आ गया इसका सबवूफर। और अगर मैं चलाने के लिए इस पर बात करता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर SNB का ये चैनल एम्पलीफायर है चलाने का, तो दोस्तों ये भी इसको चला देगा 400 वाट आ रहे हैं इसके सबवूफर पे भी, यहाँ पर हमारे टू चैनल का एम्पलीफायर चला देगा बड़े आराम से। पर कंडीशन वही है दोस्तों, ये कितनी देर चला पाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उसके बाद दोस्तों ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। अगर आपको ज्यादा समय के लिए चलाना है, फुल वॉल्यूम पर चलाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक मोनो एम्पलीफायर की ही जरूरत पड़ती है। और इसी तरह जैसे कि दोस्तों आप ये वीडियो में देख पा रहे हो, हमारे यहाँ पर एक मेगाबॉक्स का 4 चैनल एम्पलीफायर है और ये भी दोस्तों हमें 80 वाट पर चैनल आरएमएस देता है। अगर मैं बात करता हूँ इस एम्पलीफायर की भी, ये जितने भी आप दोस्तों एम्पलीफायर देख पा रहे हो, मैं बात इसकी नहीं करा कि यहाँ पर हमारा हाइपरसोनिक का एम्पलीफायर खराब है या फिर मैक्सल का खराब है या SNV का, किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर दोस्तों कोई खराब नहीं है। पर बात करते हैं दोस्तों RMS पावर की, क्योंकि दोस्तों हमें चाहिए RMS पावर, जो कि दोस्तों हमारे एम्पलीफायर के लिए एक बहुत ही मायने रखती है। और हमारे सबवूफर अगर हमें 300 वाट चाहिए तो 300 वाट का ही हमें एम्पलीफायर लेना पड़ता है। और दोस्तों इसी तरह ये 160 वाट हमें RMS देता है हमें ब्रिज होने के बाद। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस पर 2 सबवूफर चलाने के लिए, तो चलाने का तो दोस्तों ये 2 सबवूफर भी चला गया, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 रोम पे हमें 160 वाट RMS मिल रही है, 160 इस पर, 160 इस पर। अगर दोस्तों आपके पास 150 वाट के या फिर 160 वाट RMS के 2 सबवूफर हैं, छोटे सबवूफर हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर 8 इंच और 10 इंच के भी सबवूफर आते हैं जो हैंडमेड होते हैं, अगर उनका लोड दोस्तों 4 ओम्स पर हमारे 150 वाट RMS के आसपास है, 160 वाट RMS के आसपास है, तो चलाने के तो दोस्तों ये 2 सबवूफर भी चला देगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ इसी अपने एम्पलीफायर की, तो इसी एम्पलीफायर पर आप इतने बड़े सबवूफर को 1 घंटा भी चला सकते हैं। पर दोस्तों इसकी एक कंडीशन है, आपको इसकी गेन अच्छी तरह से सेट करनी पड़ेगी और जो अपना वॉल्यूम है उसको भी कम रखना पड़ेगा, तब आप अपने इस सबवूफर को इस एम्पलीफायर पर भी चला सकते हो। अगर दोस्तों आपको फुल साउंड का मजा लेना है, फुल एंजॉय करना है, फिर तो आपको एक मोनो एम्पलीफायर ही लेना है, क्योंकि दोस्तों ये मोनो एम्पलीफायर हमारे बने ही सबवूफर के लिए हैं। चाहे आप इसको 300 वाट RMS का सबवूफर चलाओ, 400 का चलाओ, 500, 800 जितना भी हो, आप उसी हिसाब से अपना जो एम्पलीफायर है उसको खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास 1000 वाट RMS का भी सबवूफर है तो मार्केट में आपको मोनो एम्प 1000 वाट RMS का भी देखने के लिए मिल जाएगा और आप उस एम्पलीफायर पर अपना 1000 वाट RMS का सबवूफर भी चला सकते हो। पर दोस्तों होता क्या है, जो हमारे 2 चैनल और 4 चैनल एम्पलीफायर होते हैं ये दोस्तों स्पीकर वगैरह ही चलाने के लिए बने हैं, पर हमको क्या है दोस्तों अपना बजट भी देखना है, तो बजट के देखते हुए दोस्तों हम अपने एम्पलीफायर पर अपना सबवूफर भी चला लेते हैं। पर दोस्तों अगर आपको थोड़े टाइम के लिए चलाना है तब तो आप दोस्तों 2 चैनल या 4 चैनल एम्पलीफायर ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा समय के लिए चलाना है तब आपको दोस्तों एक मोनो एम्पलीफायर ही लेना चाहिए। और इसी तरह जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक ब्रांडेड एम्पलीफायर है, सोनी का एम्पलीफायर है। और अगर मैं इसकी पर चैनल की बात करता हूँ तो दोस्तों ये भी हमें 70 वाट पर चैनल RMS देता है। और अगर मैं इसके एम्पलीफायर की प्राइस की बात करता हूँ तो 7 से 8 हज़ार रुपये का एम्पलीफायर है, पर हमें यहाँ पर 70 वाट और 70 इस तरफ और इसी तरह 70 और 70 इस तरफ, अगर हम यहाँ पर ब्रिज भी करते हैं तो हमें 140 वाट RMS ही यहाँ पर ये हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर देता है। ये जो दोस्तों लोड वाली बात है वो इस एम्पलीफायर पर भी लागू होती है, क्योंकि दोस्तों हमें ब्रिज मोड पर ये भी हमें 140 वाट RMS ही दे रहा है और हमारे सबवूफर को चलाने के लिए चाहिए 300 वाट या फिर 400 वाट। तो दोस्तों अगर हम इस पर सोनी का सबवूफर भी चलाते हैं तो उसको हमें यहाँ पर 160 वाट RMS ही देखने के लिए मिलेगी और कुछ समय चलने के बाद ये भी दोस्तों प्रोडक्शन मोड में जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ब्रांडेड एम्पलीफायर है, फिर भी ये खराब होने के जो चांस होते हैं इसके वो बहुत कम होते हैं और इनके लोड कैरी करने की जो क्षमता है वो इन एम्पलीफायर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये है इनकी एक्चुअल जो RMS पावर है, इसी के बारे में मैंने दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट करके बताया है। और दोस्तों मेन जो हमारा खेल है वो ओम्स के ऊपर है, अगर दोस्तों आपको ओम्स की वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देखोगे तो फिर आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए और कौन सा सबवूफर लेना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।